अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है राहिल नागरा और आज जो है हम लोग जा रहे हैं बेसिकली एक स्टॉक फुटेज के लिए। आप लोगों को जैसे अपडेट होगी कि कराची के अंदर एक शिप फंस गया, कार्गो शिप जो सीवी और क्लिफ्टन बीच के करीब फंसा हुआ है, तो उसके कुछ ड्रोन शॉट ले रहे हैं। और एक स्टॉक फुटेज मैं क्यों ले रहा हूँ, उसका क्या मकसद है, इसके भी आपको मैं थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। अभी हम जा रहे हैं अरसलान झुकी को पिक करने, तो अरसलान भाई आ जाएँ तो फिर इंशाल्लाह आपको आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं। और स्टॉक फुटेज में क्यों ले रहा हूँ, इसकी क्या वजह, ये भी आपको मैं अपडेट करता हूँ। और ये हमारे अरसलान भाई के घर बस पहुँचने ही वाले हैं। अच्छा भाई, तो हम पहुँच गए अरसलान भाई के पास, इनके घर के करीब। इनको कॉल करते हैं और पता करते हैं किधर रह गए, कॉल मिलाते हैं इनको ज़रा। कॉल जा रही है। वेलकम, मैं इधर खड़ा हूँ, होटल के साथ खड़ा हूँ मैं, जल्दी आ जाओ। ओके ओके, अरसलान भाई भी आ गए हैं और अपने सामान के साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई, क्या हाल है, ठीक ठाक, आप सुनाएं? बस शुक्र है अल्लाह का, और सुनाओ? मजे में। ईद मुबारक सबसे पहले, तो थोड़ा सा लेट हो गए। अरसलान भाई आगे आगे चलते हैं जरा। अच्छा भाई, तो अभी हम जा रहे हैं क्लिफ्टन बीच पे स्टॉक फुटेज के लिए, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अच्छा, स्टॉक फुटेज हम क्यों ले रहे हैं, अरसलान भी इसको डिटेल में थोड़ा सा बताएगा, अरसलान भी थोड़ा सा बताएगा कि स्टॉक फुटेज हम क्यों ले रहे हैं। अच्छा, स्टॉक फुटेज देखें, मैं आपको मजे की बात बताऊं। मैंने बहुत टाइम से मैं यूट्यूबिंग कर रहा था, लेकिन राहिल भाई मुझसे सवाल पूछते रहते थे, अरसलान भाई ये यार यूट्यूब पे आप कंसिस्टेंसी नहीं कर रहे, आप कभी डाल रहे हो वीडियो दो महीने बाद, तीन महीने बाद। लेकिन फिर मैंने अब शुरू किया, मैंने यूट्यूब से ज़्यादा मैंने अपनी स्टॉक गैलरी को मैंने बनाना शुरू कर दिया। मैंने अब मैं जितना भी शूट करता हूँ, हम करते हैं स्टॉक फुटेजेस के लिए मैं ज़्यादातर शूट करता हूँ, ज़्यादा अपने ड्रोन से जितना वीडियो शूट करता हूँ, तो उससे मेरी अर्निंग होती है। और अगली चीज़ है कि आपके करंट टॉपिक के ऊपर, करंट अफेयर के ऊपर, करंट कोई ऐसी चीज़ है जो कि इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, आप उसके ऊपर वीडियो शूट करें। अरसलान भाई, ये थोड़ा सा बताएं कि स्टॉक फुटेज से क्या मतलब है, थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह अर्निंग हो रही है और स्टॉक फुटेजेस होती क्या है, कहाँ पे यूज होती है। अच्छा देखो, पहली बात कि हर एक फुटेज जो आप समझते हो कि किसी को यूज आ सकती है, जैसे सामने बाइक जा रही है, उसके ऊपर पिज़्ज़ा हट का ब्रांडिंग हो रही है, आप अपने कैमरे से उस एंगल से शूट करो, मे भी हो सकता है कि पिज़्ज़ा हट यहाँ से इसको अपनी उनको कैप्चर उनको अच्छा लग जाए कि यार इस एंगल से तो हमने अपने कभी राइटर को दिखाया नहीं है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं और वो आपसे परचेज करेगा। तो ऐसे फुटेजेस हैं, लाखों डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो लोग वहाँ पे परचेज करने के लिए बैठे होते हैं, क्योंकि ऐसे हर मोमेंट पे शूट वो लोग नहीं कर सकते, या उनके पास शूट होते नहीं है, या फिर शूट एक्सपेंसिव पड़ रहा होता है, तो वो स्टॉक फुटेजेस थोड़े से लो रेट में उनको मिल जाती हैं। तो मैं जो सेल करता हूँ वो है ब्लैक बॉक्स, एक स्टॉक फुटेजेस की एक कम्युनिटी है, आप उसको वो 5 अलग अलग एजेंसी से लिंक हुई हुई है, तो वहाँ पर बहुत अच्छी अर्निंग भी होती है। और ये है कि आपका एक डेटाबेस बनता रहता है और पूरे दिन आप अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो या यूट्यूब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो इसमें ये कि आप डिफरेंट जो है कंटेंट बनाएं, साथ साथ आपको ये बेसिकली इस वीडियो के अंदर ऐड करने का और ये व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि आपको एक और आपकी जो इनकम सोर्स है वो इंक्रीज हो जाए, जैसे आज का हमारा ये व्लॉग भी बन जाएगा और साथ साथ एक हमारा जो है जो एक अलग से बिजनेस है स्टॉक फुटेजेस का, उसमें आप स्टिल भी हो सकती हैं, वीडियो भी हो सकती हैं, लेकिन वीडियो की ज्यादा डिमांड है तो वो आप जो है शूट कर सकते हैं और एक्सेट। अच्छा, इसकी मजे की बात ये है कि जिस तरह आपकी यूट्यूब की अर्निंग है वो जो थ्रू आउट द लाइफ चलती रहेगी, बिल्कुल इसी तरह इसकी भी अर्निंग ऐसी है कि थ्रू आउट द लाइफ आपकी फुटेज सेल होती रहेगी। बिल्कुल, मतलब आपने एक बार फुटेज बनाई है तो हो सकता है कि मुझे वो जरूरत पड़े किसी डॉक्यूमेंट्रीज में या फिल्म में, तो मैं वो यूज कर सकता हूँ, और बंदे को भी जरूरत पड़ती है तो वो भी सेम फुटेज परचेज कर सकता है और कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, ये सारी चीजें ऐसे। अभी हम चल रहे हैं अपनी आज की न्यू स्टॉक फुटेज पर बनाने के लिए जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो फुटेज है एक तो जहाज हमें मिल जाए, सुना है कि अभी गया नहीं है, फंसा वही है, 15 अगस्त तक रहेगा, तो हो सकता है कि ये फुटेज हमारी बिक जाए। और कभी कभी आपको एक फुटेज भी जो है $80 $100 दे देती है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है, तो डिपेंड करते वो कितनी करंट आपकी फुटेज है और कितनी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, ये कराची शहर में हुआ है, लेकिन
अब चाइना के खाने हांगकांग का शायद वो शिप है तो उनको जरूरत पड़ेगी, वो देखेंगे सर्च करेंगे कहाँ पे जो है मटेरियल अवेलेबल है तो वो यूटिलाइज कर सकते हैं। ये है, अभी चलते हैं क्लिफ्टन बीच और आपको जो है डॉन के थोड़े से शॉर्ट भी दिखाते हैं और परचेज करना चाहे तो आप लोग परचेज भी कर सकते हैं। चले जी आगे चलते हैं। अच्छा इस वक्त हम लोग पहुंच गए सीबी मैकडॉनल्ड पे और सामने ही जो आप देखें तो ये आपको पीछे जो दिख रहा है ये लोकेशन है और अभी आपको जो है मजीद अपडेट देते हैं। अच्छा भाई तो यहाँ खड़ी हुई पुलिस और हमें जाने नहीं दे रहे, हमें क्या किसी को भी नहीं जाने दे रहे, हम कोई अनोखे थोड़ी हैं, तो अभी कोई ऐसी स्पेस ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम इजिली जो है अपना ड्रोन फ्लाई कर सके। तो अभी हाइपर स्टार की जो पार्किंग है यहाँ कोशिश करेंगे कि यहाँ से हमें फ्लाई करने का मौका मिल जाए। आसान भी क्या उम्मीद है, हो पाएगा कुछ नहीं होगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे विंड भी बड़ी तेज है, विंड स्पीड भी बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे। सेकेंडरी चीज है, पहले प्राइमरी चीज है कि जगह मिल जाए फ्लाई के लिए। अच्छा अभी इस वक्त हम लोग जो है डॉल्फिन मॉल की जो पार्किंग में छुपके से फ्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, असलाम में तैयारियां पकड़ रहे हैं तो भी यहाँ से फ्लाई करेंगे। न्यू ड्रोन है। ये अभी रिसेंटली परचेज हुआ है, एक पहले था जो पिछले 3-4 साल तक यूज करा था लेकिन अभी ये पहली बार फ्लाई करने लगे हैं तो अभी चलते हैं जरा छुपके से फ्लाई करेंगे क्योंकि गार्ड भी पीछे बैठा हुआ है, पकड़ लिया तो बड़ा मसला हो जाएगा। चले आगे चलते। और ये आसान भाई रेडी हो गए टेक ऑफ के लिए अपना ड्रोन, छुपके बैठे हैं पार्किंग में। अच्छा हम लोग गए थे उधर अपना हाइपर स्टार की तरफ गए, वहाँ पे विंड की जो रफ्तार थी प्रेशर था बहुत ज़्यादा था और डिस्टेंस भी काफ़ी दूर था। अभी हम लोग बिल्कुल सामने आए, ये इन्होंने वैसे तो रूट सारा क्लोज किया हुआ है लेकिन मैकडॉनल्ड के बैक साइड पे अगर देखें ना तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ से हम फ्लाई करने लगे और अब ये बिल्कुल सामने ही है। अगर आप ये देखें ये रहा सामने तो भी फ्लाई करने लगे यहाँ से।